जहनी सेहत होती क्या है? उसको क्या बादाम खिलाएं? वो एक जोक आया था पिछले दिनों, कहते मैंने इतनी बादाम खा ली अफ्तार में कि बचपन की भी मोहब्बत याद आनी शुरू हो गई है। तो जहनी हाफजा तेज हो गया। हाँ, हाफजा इतना तेज हो गया जी। सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फैसल, इमेजिन करें कि मैं या कोई भी, या फ़र्ज़ कीजिए आप, एक लंबी तारीख बिल्कुल अंधेरी सुरंग में जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, राइट? और आखिरकार चल चल के इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाता है वहाँ पर कि यार बस अब डन हो गया। एक ऐसा शख्स जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है, वो अगर गिर भी जाएगा तो उसे मालूम हुआ कि मैं मज़ीद नीचे नहीं जा सकता, मुझे उठना है। जब इंसान गिरता है तो उसको ये मालूम होनी चाहिए कि अब गिरने में भी एक फ़ायदा ही है। जब हालात, वाकयात, ट्रेजेडीज़, सानहे, एक्सीडेंट्स गिराते हैं इंसान को, तो उसको ये सोचना चाहिए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि मैं इससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता। वाह। सो ज़हनी तौर पर जो सेहतमंद लोग होते हैं वो गिर के उठते हैं और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में और वो चलते रहते हैं। एक मेंटल हेल्थ से मुराद वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें इंसान को अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों का इदराक हो, अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का, कि मैं ये कर सकता हूँ, और डे टू डे मैनेज करना आती हो। जैसे आप माशाल्लाह ट्रांसमिशन कर रहे हैं और यकीनन माह रमज़ान में स्केजुअल डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद माशाल्लाह यू आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। सो इसका मतलब है ऑन अ लाइटर नोट के माशाल्लाह, और यकीनन ऑन अ सीरियस नोट एज वेल, कि माशाल्लाह आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद है, वरना यकीनन आपके लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता। मुझे लोग कहते हैं ना यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कहता हूँ यार डिप्रेशन एंजाइटी होती क्या है? मुझे नहीं समझ आता ये। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि यार डिप्रेशन हो गया यार। मैं कहता हूँ भाई मेरे तो या तो सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, मुझे तो डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ के मसल्स वसल में दर्द ज़्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। पाकिस्तान में फैसल हर 100 में से 30 लोग क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं। डिप्रेशन आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में इंतकाल हो गया, कोई हादसा हो गया, तो वो उदासी, मायूसी, तन्हाई जो होती है ना वक्ती, वो उसे डिप्रेशन कहते हैं। वो एक्चुअली वक्ती डिप्रेशन होता है। हम लोग बात कर रहे हैं जब डिप्रेशन या एंजाइटी, बेचैनी, तशवीश मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लें, यानी इंसान की नींदें उड़ जाएँ उसकी वजह से, या उसके जहन में सुसाइडल टेंडेंसी आने लगे कि यार मुझे अब खुदकुशी कर लेनी है। गुर्बत खुदा ना खास्ता भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, सेहत भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, बीमारी भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, हालात भी इसके फैक्टर, बिजनेस में लॉस हो गया, घाटा हो गया, ब्रेकअप हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें। तो जब इंसान उस लेवल पर पहुँच जाता है और वो कैफियत उसकी 2 हफ्ते से ज़्यादा जारी रहती है, तब हम कहते हैं कि इसको क्लिनिकल एंजाइटी है या क्लिनिकल डिप्रेशन है या इसको और दूसरे अमराज हैं। सो पाकिस्तान में जो मैं बात कर रहा हूँ कि 30% लोग जो डायग्नोज नहीं, और सबसे बड़ा अलमिया ये फैसल कि लोग तो जाते ही नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास, वो समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता पागलों के डॉक्टर है। या मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो कहते हैं, हमें कहते हैं पागलों का डॉक्टर, जितने भी ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं हमें लोग पागलों का डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा हैं? कहते हैं हाँ, हमें कहते हैं हम पागलों के डॉक्टर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। पागलपन एक बिल्कुल डिफरेंट मर्ज है। किसी को कहते हैं ना सीरियसली, मैं आपको साइकेट्रिस्ट के पास लोग लड़ पड़ते हैं कि यार किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया आपने, तो मैं पागल हूँ मैं? अरे नहीं भाई, नहीं, मतलब साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पागल हैं, हम भुगत चुके हैं। देखिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, आई नो अच्छे बुरे हालात हर इंसान पे आते हैं, हर इंसान हर वक्त जो है वो कामयाब नहीं रह सकता, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हैं। लोग अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, आप भी एज ए डॉक्टर आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते, किसी भी वजह से, कोई फैमिली की वजह से, रोबोट्स तो नहीं है ना हम लोग, हाँ, कोई फैमिली की वजह से, कोई फाइनेंशियल, कोई किसी भी सूरत हाल में आप किसी वक्त आप पे डाउनर होता है, यकीनन यकीनन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डिप्रेशन में चले गए, तारी कर लें उसको अपने उसको अपने ऊपर तारी कर लें। ठीक है, बुरे हालात है, अच्छे भी आ जाएंगे यार। ऐसे इसमें कितनी तरह की जहनी जो बीमारियां हैं वो पाकिस्तान में, मैं स्पेशली बात करूँगा, ज़्यादातर पाकिस्तान में ज़्यादातर कितनी तरह की जहनी बीमारियाँ? वैसे तो फैसल बहुत सारी जहनी बीमारियां हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन जो सबसे कॉमन है, आम तरीन जो और अहम तरीन जो 3 बीमारियां हैं जहनी हेल्थ के हवाले से, वो हैं नंबर 1 डिप्रेशन,
क्लिनिकल डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, माजी पास्ट, उदासी, मायूसी, तनाई, खुदकुशी के ख्याल, इंसान माजी में कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अब उससे बाहर नहीं आ पा रहा, सुरंग में गिर गया है, ये नहीं जानता कि अगर मैं चलता रहूंगा तो आखिरकार बाहर निकल जाऊंगा, बाहर बहुत खूबसूरत बाग है, रोशनी है, सारी चीजें, चलना बंद कर देते हैं, जब गिरते हैं तो फिर उठते नहीं है, डिप्रेशन। इसी तरह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको GAD कहते हैं आप। सो एंजाइटी मींस फ्यूचर, क्या होने वाला है, जॉब होगी नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, रिश्ता होगा नहीं होगा, औलाद होगी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। सो फ्यूचर के बारे में, जब फ्यूचर में आप रहते हैं तो फिर एंजाइटी में जाते हैं। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं कि हमारे, हमें वो विजुअल दिखाया जाए स्क्रीन पे, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओफ, क्या टॉपिक लाए हैं आप यार। बाइपोलर डिसऑर्डर को अक्सर लोग ये नहीं समझते कि जो एक ग्लोब होता है ना, दुनिया का गोल, दुनिया गोल है, तो ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। सो बाइपोलर का मतलब यह है कि जो उर्दू में एक मुहावरा है, पल में तोला पल में माशा, यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि वही बंदा है जो अभी इतना खुशोखुर्रम था, इतना जबरदस्त तरीके से चहक रहा था, और अब वो ऐसे डाउन हो गया या ऐसे गुस्से में आ गया कि आप पहचानेंगे नहीं इसको, यानी वही बंदा था जो अभी दो घंटे पहले इसकी हालत ये थी। सो ये बाइपोलर इज वेरी कॉमन एज वेल। सो बाइपोलर में ये कि इंसान एक्सट्रीम्स पे चला जाता है, खुशी की एक्सट्रीम्स में चला जाएगा, इतनी एक्सट्रीम पे चला जाएगा कि उसको कहते हैं मैनिया, मैनिक हो जाता है, या फिर इतना डिप्रेस्ड और डाउन हो जाएगा कि फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन में चला जाएगा, रोना शुरू कर देगा, या गुस्सा भी कर सकता है, बिल्कुल नींद डिप्रेस्ड भी। और सिर्फ ये नहीं कि वो अकेला हो रहा है, वो अपने जो अतराफ के लोग हैं, जो उसके साथ रिलेशनशिप में, जो उसके कुलीग्स हैं, माँ बाप, सिबलिंग्स, मियाँ बीवी, वॉट एवर, बहन भाई, उन सबको वो मुतासर करता है। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैग्नेट की तरह होती है, रेज निकलती हैं, आप कह लीजिए आसान लफ्जों में, कि ये समझिए कि अगर मेरे अंदर डिप्रेशन है, अगर मेरे अंदर एंजाइटी है, तो मैं वही, मेरे अंदर से रेज निकलेंगी, वही वाइब्स निकलेंगी, मेरा पर्सोना वही होगा, और मैं दूसरे लोगों को भी मुतासर करूँगा, कंटेजियस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं खुश हूँ, खुशोखुर्रम हूँ, जॉयफुल हूँ, तो यही चीज़ मैं अपने साथ वालों में भी ट्रांसफ़र करूँगा। सो इसको हल्का नहीं लेना तो चाहिए। क्या रीज़न है ये बाइपोलर होने का, या अपना क्या कहते हैं डिप्रेशन? खैर डिप्रेशन तो चलें मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आता ही है हर इंसान पे, कहीं ना कहीं एक आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, यूँ होगा, आप थोड़े से यूँ एक डाउन आ जाता है आप पे, थोड़ी देर का डिप्रेशन होता ही है। लेकिन ये जो बाइपोलर होना जो है, ये कैसे हो सकता है कोई बाइपोलर? इसकी नंबर वन जो वजह है फैसल, वो है जीन्स। अगर किसी के ख़ानदान में बाप, दादा, नाना, चचा, फूफी, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, किसी को बाइपोलर रहा है, तो देयर आर प्रिटी गुड चांसेस को उसको भी होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमन होगा। इंसान को अगर ये मालूम है कि मेरे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम मौजूद है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल्फ अवेयर हो सकता है। और अगर जीन्स में है भी, तब भी अगर इंसान उन ट्रिगर्स को अवॉइड करे, या अगर ट्रिगर्स बहुत से ऐसे होते हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, या किसी ने अल्लाह नगर किसी पे केस कर दिया, तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। द पॉइंट इज कि वो अपने हवाले से सेल्फ अवेयर हो कि मेरे जीन्स में ये साइकेट्रिक इशू मौजूद है, साइकोलॉजिकल इशू मौजूद है, और आई हैव टू डील विद इट, आई हैव टू मैनेज इट। सो एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद, बार बार हम वही बात तकरार कर रहे हैं जो पहले हमने बात की थी, लाइफ स्टाइल की और चार तरह की सेहत की, एक्सरसाइज, नींद और डाइट, कच्ची सलाद, सब्जियाँ, और प्रॉपर नींद लेना, 7 घंटे से कम ना हो, 9 घंटे से ज़्यादा ना हो, और अगेन अपने आप को हरकत में रखें, हरकत में बरकत जो कही गई है, इसीलिए कही गई है, ये सारी चीज़ें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ फैसल, कि इंसान का ताल्लुक नेचर से ना टूटे। जब भी इंसान का ताल्लुक नेचर से टूटता है, वो डिप्रेशन में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जाता है। यानी धूप, आधे से एक घंटे नर्म धूप में बैठना, स्विमिंग करना, पानी से ताल्लुक, घर का नलका खोल के नीचे ना बैठ जाना, डॉक्टर साहब ने कहा ना पानी से ताल्लुक। सो राइट, कच्ची जो रेत होती है, नर्म जमीन होती है, उस पे यानी चप्पल नहीं उतार के चलना, क्या बात आपने घास की है, वाह लॉन पे, वाह वाह, कांटेक्ट रहे। मुझे याद आता है अपना बचपन में बहुत सारे बड़ों को, जब मैं छोटे हम होते सुबह रनिंग करने जाते थे, तो मुझे याद है कि कितने सारे बुजुर्गों को, जवानों को, जो हमसे उम्र में बड़े थे उस वक्त, नंगे पाँव में घास पे वॉक करते नेचर, फितरत से ताल्लुक,
फितरत से डिसकनेक्ट होना ही वजह है जिसकी वजह से इंसान जो इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। क्या बात किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान पहले खुद अवेयर हो कि यार मुझे इसमें मुब्तला नहीं होना है और आई कैन कंट्रोल इट। यहाँ पर फैसल आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहूँगा कि पहले ये लगे हाथों ये भी याद कर लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर मेडिकल डॉक्टर नहीं होता। साइकाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, फिर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं FCPS वगैरह साइकाट्री में। दवा और काउंसलिंग करता है साइकाट्रिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो या होती हैं वो काउंसलिंग से इलाज करती हैं, डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज उससे इलाज करती हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर आप समझते हैं कि अभी मुझे दवाओं की तरफ जाने का आप डरते हैं, दवाएं नहीं लेनी है मैं आदी बन जाऊंगा, तो व्हाई डोंट यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, कम अज कम कंसल्ट कर लें, एक अपॉइंटमेंट लें। और देयर इज नो टैबू, देयर इज नो स्टिग्मा कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे तो खुदा ना खास्ता इसका मतलब ये कि आप पागलपन का शिकार हैं, अल्लाह ना करें, बिल्कुल नहीं। जी हम ब्रेक में भी कुछ बात कर रहे थे, मैंने देखा है लोगों को दुनिया में नंगे पांव घूमते हुए, मैंने कहा पागल हैं नंगे पांव घूम रहे हैं, बाद में पता चला कि अच्छा भाई ये तो इनकी आदत में शामिल हैं चीज़ें, और चिल लोग हैं। अगर आप इस वक्त हम बात करें तो ठीक है, न्यूजीलैंड या फिनलैंड के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे खुश कौम है, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलियंस को और न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनको भी बहुत खुश देखा है, और मैंने वहाँ पे देखा लोग नंगे पांव घूमते हैं बकायदा सड़कों पे भी ना। हमारे खैर हमारे यहाँ तो बोतलें रात को तोड़ जाते हैं ना सारी, के गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, सड़कों पे बोतलें टूटी होती हैं तो वो पाँव में चुभ जाएंगी, ये मत कीजिएगा। लेकिन ऐसी जगहें जहाँ नंगे पाँव आप घूम सकते हैं, कराची में रहने वाले समंदर के किनारे पार्क हो, लॉन हो, लॉन हो, अब तो इतना काम किया है साहिल समंदर पे, वसीम भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत पुश किया उन्होंने, साहिल समंदर पे बकायदा बड़े अच्छे पार्क बना दिए हैं, वहाँ पे आप नंगे पाँव घूम सकते हैं। आप साहिल समंदर से दूर रहते हैं, अपने घर के पास जो पार्क हैं वहाँ पे थोड़ी देर नंगे पाँव ज़रा चल के देखें, आपके जहन को बड़ा सुकून मिलेगा, बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। और सॉरी जी, सो फैसल मैं अपने स्टूडियो के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि एक विजुअल हम लेकर आए थे जी जी जार्स थ्योरी के हवाले से, जिसमें एक शीशी है, और मैं उस हवाले से बताना चाहूंगा कि आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एक जार है, ठीक है, और उसमें सात उसके बड़े पत्थर हैं, उसके बाद कंकर हैं जो छोटे पत्थर होते हैं, और उसके बाद रेत है जी। सो द होल कॉन्सेप्ट इज दिस के ये हम बात कर रहे हैं जहनी हेल्थ के हवाले से, अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करने के हवाले से, क्योंकि खाली दिमाग को शैतान का घर इसीलिए कहा गया है। अगर हमारा दिमाग जो है उसमें हम अपने माइंड में सिर्फ रेत भर देते हैं, सबसे पहले मामूली चीज़ें, हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, डिस्टॉर्शंस, डेविएशंस, अगर रेत को भर लेते हैं, जार यहाँ तक हमने भर लिया रेत से, तो क्या उसमें पत्थर दाखिल हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मिट्टी आ गई ना। लेकिन अगर हम बड़े पत्थर पहले डालते हैं तो उसमें स्पेस रहेगी, उसके ऊपर कंकर भी आ सकेंगे और रेत भी आ सकेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करके देखिए जी। सो ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हम अपनी प्रायोरिटीज़ को गलत सेट करते हैं, फजूलियात से जब हम अपना माइंड फुल कर लेंगे तो फिर माइंड फुल नहीं रहेगा। एक चीज़ होती है माइंड को फुल कर लेना, और एक चीज़ होती है माइंडफुल होना, फोकस रखना, इर्तिकाज जिसको आप उर्दू में कहते हैं। सो जब इर्तिकाज इधर उधर होता है, फजूलियात की तरफ होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी मैं खबर ये आपकी यही बात खत्म कर दूं, घर पे आसान तजर्बे के लिए एक जार लें, उसमें चावल भर दें पहले, ठीक है, पूरे चावल ऊपर तक भर, चावल भी भरे जा सकते, ठीक है, ऊपर तक चावल भर के थोड़ा सा गैप रख के उसके अंदर 3 नींबू रख के दिखाएं मुझे, नहीं घुसेंगे अंदर, आप डालें पहले 3 नींबू उस जार के अंदर, फिर ऊपर से चावल डालें, उतने ही चावल पूरे हो जाएंगे। ये जो इन्होंने बात की है ये मैंने कहा ये मैं बता दूं, बेहतरीन। तो अटेंशन स्पैन जो है ना, रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से, क्लिप्स की वजह से 30 सेकंड से कम हो गया इंसान का, अब इंसान सिर्फ यूं कर रहा है। सो अगर कोई काम की चीज़ भी है जिसमें काम की बात शुरू हो रही है लेट से 50 सेकंड्स के बाद, चूंकि 15 सेकंड में अटेंशन ग्रैब नहीं हुई आपकी, आपने छोड़ दिया उसे, बहुत काम की बात हो सकता है निकल गई हो आपकी। सो हम लोग जो है बहुत जल्दी में, यानी रेत को भर रहे हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर संगे मील मिस हो जाते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान माइंडफुल रहे ना के, और इसकी जो मैं आखिरी मिसाल देना चाहूँगा इस हवाले से, वो ये कि देखिए जब आप रेसिंग कार, हमें मंजिल पे पहुँचना होता है, फिनिश लाइन को क्रॉस करना होता है,
तो हमारे सामने मंजिल रहनी चाहिए, फिनिश लाइन रहनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सामने राइट और लेफ्ट देखता रहूँगा कि ये अब दीवार आई, अब मोड़ आया, अब ये टायर लगे हुए यहाँ पर, मुझे इससे बचना है, मुझे इससे बचना है, तो मेरी जो फोकस था वो आखिरी मंजिल से हट गया। अब वो नतीजतन वही होगा जिससे मैं डर रहा हूँ, यानी रुकावट से मैं टकरा जाऊँगा और सफ़र रुक जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन, वर्जिश करें, नींद पूरी करें और डाइट अच्छी लें। कच्ची सलाद, फल और सब्जियाँ बहुत ज़रूरी हैं, और डीप फ्राइड चीज़ें रोज़ाना की बेसिस पे ना खाएं। कभी कभार तो होता है, इंसान खाते हैं सब लोग, लेकिन डीप फ्राइड चीज़ें, ख़ास तौर पे चीनी, एंजाइटी को, डिप्रेशन को बढ़ाती है, दर्द की शिद्दत को बढ़ाती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच।